शाहपुरा जिले में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट ने जिले के विकास को नई दिशा दे दी है। मीट में 75 MOU के माध्यम से कुल 1435 करोड़ रुपए के निवेश होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और शाहपुरा के प्रभारी डॉक्टर मंजू बागमार ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके उद्योगों की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस इन्वेस्टर मीट में चारभुजा इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोटड़ी में 1100 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट लगाने के लिए MOU किया है। यह परियोजना शाहपुरा जिले के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा राहुल चौधरी द्वारा 166 करोड़ रुपए की लागत से स्प्लिनिंग प्लांट की स्थापना के लिए MOU किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। सरकार द्वारा जो राइजिंग राजस्थान 9-10-11 दिसंबर को जो होने जा रहा है उसके तहत आज शाहपुरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया है उसके तहत जो है आज जब यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर आ रहे हैं और जो हमारे उद्यमी हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। और शाहपुरा जिले के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर करीब 75 MOU में है, उसके तहत जो है 1465 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे MLA साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे प्रशासन और हमारे जिलाध्यक्ष जी सभी यहाँ पर विद्यमान है। सभी लोगों के एक प्रयास ये रंग लाए हैं कि आज शाहपुरा जिले के अंदर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट के लिए भी MOU हुआ है यहाँ पर, और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हुआ है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो शाहपुरा जिले के अंदर आज़ादी के बाद आज तक जितने MOU हुए हैं या जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है पहली बार आज इस प्रकार का हुआ है। कि अभी जब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रही थी कि आज़ादी के बाद अभी तक करीब 1100 करोड़ रुपए के MOU हुए होंगे और अभी इसी जो इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर करीब 1465 करोड़ रुपए के MOU हुए, मैं अपनी ओर से जो है इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिला स्तरीय कार्यक्रम शाहपुरा में आयोजित किया गया और ये सरकार की बहुत अच्छी और नई पहल है जो औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए सरकार के द्वारा लाई गई है। आज इस कार्यक्रम में हमने 75 MOU संपन्न किए गए जिसमें 1435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग 4465 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में शासन की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार मैडम पधारी, माननीय विधायक जाजपुर गोपीचंद मीणा जी उपस्थित रहे, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, ADM महोदय, एडिशनल SP साहब, SDM, सभी समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही हमारे जिले के औद्योगिक निवेशक और उद्यमी उपस्थित रहे। सबसे बड़ा हमारा जो MOU आया है वो 1100 करोड़ का है, चारभुजा स्टील प्लांट का उनका एक प्लान है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जिले में लाएंगे और यह कोटड़ी में उन्होंने प्रस्तावित किया है। इससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के अनेक MOU संपन्न हुए हैं जिसमें रत्नाकर